जी, सो लेट्स बिगिन 2.1, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जर्मनी जो है वहाँ पे वाइमर रिपब्लिक ने डेमोक्रेसी अनाउंस की थी एंड वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनको बेसिक राइट्स कुछ मिलने थे, ठीक है, एंड उनको वो जो बेसिक राइट्स हैं वो मिलते भी थे। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, सो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ठीक है, तो ये जो सारे के सारे ही जो भी हमारे राइट्स है वो हमारे फंडामेंटल है, कोई भी इनको छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो सेम वेज वाइमर रिपब्लिक जो है उन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो सिटीजन है उनको गारंटी मिली हुई थी कि आपको मिनिमम ये वाले जो राइट्स हैं ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये था डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिटलर ने जब यू नो टेक ओवर किया जर्मनी को, देन उसके बाद क्या हुआ। सो ऑन 30th January 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। सो अगर हम बात करते हैं 30th जनवरी 1933 की, तो उस टाइम के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, सॉरी जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था हिंडनबर्ग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चांसलरशिप जो है वो हिटलर को दी। चांसलरशिप का मतलब ये होता है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की जो हाईएस्ट पोजीशन है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया में जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की हाईएस्ट पोस्ट होती है उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से हिटलर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया एंड प्राइम मिनिस्टर को जर्मनी में चांसलर बोलते हैं, ठीक है। सो बाय नाउ नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज, हैविंग एक्वायर्ड पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। देन अगर हम बात करते हैं कि जो नाजीज है उन्होंने क्या किया, नाजीज ने रैलीज निकाली कंजर्वेटिव्स को अपने यू नो जो अपना सपोर्ट है उसमें उन्होंने लिया एंड देन इसके बाद हिटलर जो है उसने धीरे धीरे करके डेमोक्रेटिक रूल्स के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसने उन्हें तबाह करना स्टार्ट कर दिया डेमोक्रेटिक रूल्स को, ठीक है। A mysterious fire that broke out in the German Parliament building in February facilitated his move. अब अचानक से क्या हुआ कि एक mysterious fire लग गई, अचानक से ही एक जो fire है वो लगी, अचानक नहीं बोलेंगे, रहस्यमय बोलेंगे, mysterious यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक mysterious fire जो है वो जर्मनी के पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग है वहां पे लग गई फरवरी में। और ऐसे में क्या हुआ कि जो हिटलर है उसको मौका मिल गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे अब वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जल चुके थे, ठीक है। तो उसको अब एक मौका मिल गया कि अब वो नए रूल्स को लिख सके, ठीक है। एंड यहाँ पे मिस्टीरियस वर्ड यूज किया तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो आग है, ये जो फायर है, ये किसने लगवाई थी, ठीक है। सो ही वॉज हिटलर। ओके, सो देन इसके बाद द फायर डिक्री ऑन 28th February 1933 इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। देन ही टर्न्ड टू हिज आर्कमिनीज, टू द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ हुम आर हरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। अब पार्लियामेंट में जब आग लग गई, ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने जितने भी सिविक राइट्स की गारंटी वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ने दी गई थी, फॉर एग्जांपल स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सारे के सारे ही राइट्स हिटलर ने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। यानी कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जर्मनी में नहीं थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं थी एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं थी। देन इसके बाद देन ही टर्न टू हिज आर्कमिनीज, आर्कमिनीज का मतलब होता है सपोर्टर्स। अब वो अपने सपोर्टर्स की तरफ आया, सपोर्टर्स कौन थे, कम्युनिस्ट, ठीक है। तो कम्युनिस्ट के साथ उन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ हुम आर हरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स।
कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया कम्युनिस्ट को भी, यानी कि जो उनके सपोर्टर्स थे उनको भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वही जगह है जहां पे बहुत सारे लोगों का होलोकास्ट हुआ, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको मारा गया जान से, ठीक है. तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कम्युनिस्ट को डाल दिया. कितने थे ये कम्युनिस्ट? द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सेवियर. आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ ड्यूसेल्डॉर्फ, अ स्मॉल सिटी ऑफ हाफ अ मिलियन पॉपुलेशन, 1,440 वर दोज ऑफ द कम्युनिस्ट अलोन. दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स persecuted by the Nazis across the country. So, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि 6,808 लोग जो हैं उनको ड्यूसेलडॉर्फ नाम का जो एक स्मॉल सिटी है वहां पे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया. 6,808 पीपल को, उनमें से 1,440 तो कम्युनिस्ट ही थे, ठीक है. तो यू कैन इवेल्युएट कि नियर अबाउट 20% लोग तो कम्युनिस्ट ही थे, ठीक है. तो जो उसके साथ के लोग थे जिसने उनको सपोर्ट किया था उसको भी हिटलर ने, उनको भी हिटलर ने नहीं छोड़ा. साथ ही साथ क्या किया, एंड ये जो लोग थे, ये जो कम्युनिस्ट लोग थे, ये 52 टाइप्स में से एक थे. यानी कि जो हिटलर है उसने क्या किया हुआ था, उसने 52 टाइप्स डिस्टिंक्ट की हुई थी कि इन लोगों को हमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालना है, ठीक है. तो उनमें से एक जो है वो थे ये वाले कम्युनिस्ट. ओके, देन इसके बाद ऑन मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड. अब क्या हुआ कि मार्च 3rd 1933 में एक एनेबलिंग एक्ट पास किया गया. दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें आ जाती है. दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. और इस एक्ट की वजह से क्या हुआ कि जो हिटलर है उसको डिक्टेटरशिप करने का राइट मिल गया. अभी तक जर्मनी में डेमोक्रेसी चल रही थी, ठीक है, लेकिन इस एक्ट के बाद अब जो हिटलर है वो डिक्टेटरशिप कर सकता था. इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन द पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स. द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. एनेबलिंग एक्ट जैसे ही पास हुआ, हिटलर के पास सारी की सारी पावर्स आ गई एंड जो पार्लियामेंट है या फिर जो रूल बाय डिक्री है यानी कि जो रूल बाय ऑफिशियल्स है उन सबको साइडलाइन कर दिया गया. एंड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ट्रेड यूनियंस थी उन सभी को बैन कर दिया गया एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स, ठीक है. या तो जो नाजी पार्टी है वो एंड साथ ही में उसके जो एफिलिएट्स है यानी कि उसकी जो छोटी छोटी पार्टी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, आप सभी को पता है ना, बीजेपी की जो छोटी वाली पार्टी है उसको बोलते हैं एबीवीपी, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है, एबीवीपी. तो बीजेपी का जो छोटा पार्ट है इट इज एबीवीपी, ठीक है, लेकिन बीजेपी का जो बड़ा पार्ट है वो क्या है, आरएसएस, ठीक है. सो इस तरीके से जो पार्टीज है वो बनती है, ठीक है. तो नाजी और जो उसके एफिलिएट्स थे उनको सिर्फ परमिशन दी गई पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए, इसके अलावा किसी के पास भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है या फिर जो ट्रेड यूनियन है उनको एस्टैब्लिश करने का राइट नहीं था. साथ ही साथ द स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के चार स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं. एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी और चौथा होता है मीडिया, ठीक है. सो यहां पे क्या है, एग्जीक्यूटिव वो खुद ही हो गया क्योंकि उसने कहा कि जो पार्लियामेंट है और जो ऑफिशियल्स हैं उनकी हम बात नहीं मानेंगे. सो पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेचर, ऑफिशियल्स का मतलब एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है. देन इसके बाद रही हमारी जुडिशरी एंड मीडिया, वो यहाँ पे उन्होंने लिखा ही हुआ है कि जो जुडिशरी है, मीडिया है, इकोनॉमी है एंड जो आर्मी है वो सारी के सारी ही अंडर आ गई हिटलर के.
या फिर कह लें नाजीज के। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म द एसए और स्टॉर्म ट्रूपर्स दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो विच इज अ सीक्रेट स्टेट पुलिस एंड एसएस विच इज द प्रोटेक्शन स्क्वाड क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज विच इज एसडी। अब स्पेशल टाइप के सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को बना दिया गया, ठीक है, जिनमें के सोसाइटी को कंट्रोल करने के वो तरीके थे जो के नाजीज चाहते थे, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से नाजीज बोलेंगे ये जो स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई हैं वो उसी तरीके से जर्मनी को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, जो इनकी रेगुलर पुलिस थी जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी वो तो है ही है, ठीक है, उसको तो इन्होंने नहीं छेड़ा, लेकिन साथ के साथ ही इन्होंने ऐसे या फिर कह लीजिए कि जो स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं उनको इन्होंने इंक्लूड किया। इसी में गेस्टापो भी इंक्लूडेड थे, यानी कि सीक्रेट स्टेट पुलिस, यानी कि ये वाली जो पुलिस है ये वो होती है जो कि यू नो सिविल यूनिफॉर्म में होती है, ठीक है, एंड लोगों पे नजर रखती है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और अगर इनको लगता है कि जो लोग हैं वो इनके तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये उन्हें डिटेन कर देते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पे लिखा है एसएस विच इज अ प्रोटेक्शन स्क्वाड स्पेशल एंड वी हैव क्रिमिनल पुलिस एंड दिस सिक्योरिटी सर्विसेज। तो देख लीजिए हर एक जो कंट्री है उसमें क्या होता है, उसमें होती है एक होम गार्ड, ठीक है, होम गार्ड के बाद होते हैं पुलिस, पुलिस के बाद होती है पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री के बाद होती है मिलिट्री, ठीक है। लेकिन यहां पे इनके देश के अंदर ही जर्मनी में ही बहुत तरीके की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन्होंने तैनात कर दी कि अगर हमारे हिसाब से लोगों ने काम नहीं किया तो आप उनको डिटेन कीजिए, विदाउट एनी ट्रायल उनको हम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज देंगे, ठीक है। So, इस तरीके का रूल्स वहां पे बने। ओके, देन इसके बाद इट वॉज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस दैट गेव द नाजी पार्टी इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स राउंडेड अप एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड डिपोर्टेड एट विल और अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूरिटीज। ओके, सो यहां पे आपको बताया कि ये वाली जो फोर्सेस हैं इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स से भी एक्स्ट्रा पावर्स थे, और इसकी वजह से क्या होता था कि नाजी स्टेट की जो रेपुटेशन है वो एक बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट के तौर पे मानी गई, ठीक है, जैसे कि इफ यू नो अबाउट द क्यूबा, ठीक है, क्यूबा एक कंट्री का नाम है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। सो क्यूबा जो है वहां की जो वहां का जो मेडिकल स्टेट है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मेडिकल सिचुएशन जो है वो वहां पे बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम वहां पे आर्मी की सिचुएशन की बात करते हैं तो वो बहुत ही वर्स है, ठीक है, आज की डेट में भी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से चलते हैं। आई एम सो सॉरी। ओके, देन इसके बाद व्हाट वी हैव हियर, ओके, तो जो लोग हैं अब गेस्टापो अपने टॉर्चर चैम्बर्स में उनको डिटेन कर सकते थे, उनको राउंड अप कर सकते थे एंड उन्हें कॉन्सेंट्रेशन में भेज सकते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, उनकी मर्जी हो चाहे ना हो, लीगल प्रोसीजर्स हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस जो है वो सिर्फ ये देख रही थी कि जो इम्प्यूनिटी है वो कौन कौन है, यानी कि जो कल्प्रेट लोग हैं उनके हिसाब से, ठीक है, इम्प्यूनिटी का जो मतलब होता है वो होता है इनके हिसाब से जो लोग कल्प्रेट हैं तो उनको लीगल प्रोसीजर के बिना ही भेज दिया जाता था। देखिए अगर आज की डेट में ऐसा होता है इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स बंदे के घर पे पुलिस उसको पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए कह रही है, उसको अरेस्ट करना चाहती है, तो अरेस्ट वारंट होना चाहिए, ठीक है, अरेस्ट वारंट होगा तो ही आप अरेस्ट कर सकते हो। अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो जो अक्यूज्ड है उसे आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, या तो आप उसको लेके जाएंगे कोर्ट में,
ठीक है, अगर वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अगर वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है या फिर जो कोर्ट का जज है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे। ठीक है, मजिस्ट्रेट साइन करेगा कि यस ये जो एक्स बंदा है ये इन पुलिस वालों के पास है। ठीक है, फिर जो पुलिस वाले हैं उनको ये पार मिलती है कि वो उसको लॉकअप में डाल सके। ठीक है, देन उसके बाद जो अक्यूज्ड होता है उसके पास ये पार होती है कि वो अपने के वो अपने लिए एक एडवोकेट हायर कर सके। एंड अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक प्राइवेट एडवोकेट को हायर कर सकता है, तो वो एक गवर्नमेंट एडवोकेट के पास अपनी जो यू कैन से अपील है, ठीक है, वो अपील वहां पे करता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक प्राइवेट जो एडवोकेट है उसको मैं हायर कर सकूं, तो मुझे एक गवर्नमेंट एडवोकेट दिया जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा प्रोसिक्यूटर। ठीक है, प्रोसिक्यूटर जो होता है वो गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है, उसको जो सैलरी है वो देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स होने के बाद जज जो है वो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया जी ये जो एक्स बंदा है ना इसने ये गलत काम किया है, तो हम सिर्फ इस बात को सुन के और हम वो चीज क्लियर कर देंगे। आप लोगों ने मूवी देखी है सेक्शन 375 अक्षय खन्ना की? चलो नवनीत ने देखी है। ओके नवनीत, सो आपको जो लास्ट का सीन है वो याद होगा कि उसने कहा था कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ, है ना, कि हमने सिर्फ ये देखना है कि लीगली किस तरीके से हम एक इंसान को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बाय द लॉ। अब वो चाहे इनोसेंट है वो चाहे इनोसेंट नहीं है, ये जो काम होगा ये जज का होगा, एंड जज की भी मर्जी नहीं होगी, जज भी बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से वो ये जजमेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। लेकिन अगर हम हिटलर के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस वाले उठाएंगे, टॉर्चर करेंगे, आप हजार बार बोलते रहोगे आपने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो की वजह से या फिर अपनी जो यू नो जो उनकी रेपुटेशन है, रेपुटेशन को बनाने की वजह से वो क्या करेंगे, वो जो भी इनोसेंट लोग हैं उनको भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज देंगे विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। ओके, सो द पुलिस फोर्स हैज एक्वायर्ड द पावर टू रूल द इंप्यूनिटी। ओके, देन इसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन। इट इज नॉट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। ओके, सो रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जलमार शार्ट। ठीक है, इट इज यालमार। ठीक है, एच जे ए एल ए। ठीक है, इट इज यालमार, यालमार। ओके, यालमार शार्ट। ओके, यालमार शार्ट, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. So, Hjalmar Schacht जो हैं, उनको ये काम दिया गया कि आपने जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसको रिकवर करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम में, यानी कि एक्सटर्नल पार से पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल पार से पैसा नहीं लिया जाएगा, स्टेट के पास जो पैसा होगा उसी को हम यूज करेंगे, ताकि जो ग्रेट डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम हुई थी कहीं वो फिर दोबारा से ना हो जाए। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कहां है, अमेरिका में। जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रैश कहां होती है, अमेरिका में, लेकिन उसका असर कौन देखता है, जर्मन। ठीक है, तो शॉर्ट जो है वो ये नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम से काम स्टार्ट किया, और ऐसे में जो फेमस प्रोजेक्ट्स हैं वो बनने शुरू हुए, जैसे कि जर्मन सुपर हाईवे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ड्राइवरलेस ट्रक्स, ड्राइवरलेस बसेस जो है ये इन सुपर हाईवे में आज की डेट में चलती है। ठीक है, एंड मतलब ये जो काम है ये वहां पे स्टार्ट हुए थे, एंड पीपल कार्स
वोक्सवागन, ठीक है? तो आपको पता ही होगा इसकी भी कार्स आती हैं, वी हैव फोक्सवैगन वेंटो, पोलो, है ना, जेटा, ठीक है, पसैट, ये हमारे पास कार्स आती हैं, ठीक है? सो इट इज फोक्सवैगन, ठीक है? इसको वॉल्क्सवैगन नहीं बोलते, ठीक है? इट्स फोक्सवैगन, ओके ओके. सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव, एंड ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि विच कंपनी इज नोन एज पीपल्स कार, ठीक है? सो इट्स फोक्सवैगन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस. ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, रीऑक्यूपाइड रिनलैंड इन 1936, इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मन सॉरी ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर. ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेंटन लैंड फ्रॉम दी Czechoslovakia and gobbled up the entire country. In all of this, he had the unspoken support of the England, which had considered the Versailles verdict too harsh. This quick success at home and abroad seemed to reserve the destiny of the country. अगर हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, क्योंकि अभी अभी जो हमने बात की है शार्क के बारे में, वो हमने बात की है डोमेस्टिक पॉलिसी के बारे में. अगर हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो जो हिटलर है उसको बहुत ही क्विक सक्सेस मिले. सबसे पहले तो उसने क्या किया कि 1933 में लीग ऑफ नेशन से बाहर हो गया, ठीक है? यानी कि जो वो हार्श एंड यू नो ह्यूमिलिएटिंग जो ट्रीटी थी उससे बाहर हो गए वो 1933 में. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिनलैंड जो कि फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है? फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था, उसको वापस ले लिया, ठीक है? फ्रांस से छुड़वा दिया उसको. देन इसके बाद क्या किया, एंड ये जो एंड देन इसके बाद 1936 में जर्मनी और जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है? यानी कि ऑस्ट्रिया पे भी जो अपना कब्जा है वो कर लिया, ठीक है? लेकिन ये जो कब्जा था ये जबरदस्ती वाला नहीं था, क्योंकि जो हिटलर है ही वॉज बेसिकली फ्रॉम द ऑस्ट्रिया, ठीक है? उनकी जो सिटीजनशिप थी वो वहां की थी, ओके? तो वहां पे उनका इन्फ्लुएंस था, तो इस वजह से उसको इंटीग्रेट कर दिया. देन उसके बाद उन्होंने रेस्ट करना सॉरी एंड ये जो उन्होंने ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इकट्ठे किए, इसके ऊपर इन्होंने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ठीक है? जैसे कि हमारे मोदी जी देते हैं जीएसटी के लिए, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, ठीक है? विच इज अ फेल्ड प्रोग्राम. चलिए, ये हुआ. देन इसके बाद हिटलर जो है उन्होंने वेस्ट जर्मनी सॉरी जो जो जर्मनी है उसमें सॉरी उसके आसपास उन्होंने रेस्ट करना यानी कि कब्जा करना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया चेकोस्लोवाकिया में, एक ऐसे एरिया में जो कि जर्मन स्पीकिंग एरिया था, ठीक है, वहां पे. एंड देन उसके बाद उन्होंने वो पूरी की पूरी कंट्री ही अपने अंडर कर ली, ठीक है? और उन्होंने क्या किया, इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड व्हिच हैड कंसीडर्ड द वर्साय वर्डिक्ट टू हार्श. और इतने में ही इंग्लैंड जो है उसका एक अनस्पोकन सपोर्ट का मतलब होता है कि ये कहीं लीगली तो नहीं है, कहीं ये रिटन में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पीछे से बैक है, ठीक है? अगर अब आप देखेंगे जर्मनी एंड इंग्लैंड जो है दे आर एनिमी कंट्रीज, ठीक है? लेकिन जो ट्रीटी ऑफ वर्साय है वो अमेरिका ने इम्पोज की थी, ठीक है? सो इंग्लैंड को भी ऐसा लगा था कि अमेरिका ने जो ये ट्रीटी इम्पोज की है ये हार्श है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अनस्पोकन सपोर्ट था. अनस्पोकन सपोर्ट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल रियल लाइफ में बताऊं, आजकल आप लोगों को पता है कि इंडिया एंड जो नेपाल है उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया चाइना का तो आपको पता ही होगा गलवान वैली में, ठीक है? इतना बड़ा इश्यू चल रहा है. इंडिया नेपाल का पता है आप लोगों को? नहीं पता है, ओके. मानसरोवर नाम सुना है कभी? मानसरोवर,
मानसरोवर एक ऐसे एरिया में है जो कि नेपाल एंड इंडिया के बॉर्डर एरियाज में आता है, ठीक है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया के ऑफिशियल मैप में मानसरोवर हमारे अंडर आता है, नेपाल के ऑफिशियल मैप में मानसरोवर उनके अंडर आता है। ओके, दोनों के ऑफिशियल हैं, मतलब पार्लियामेंट से पास हुए हुए मैप्स हैं। अब इसका डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिजिकल बाउंड्री है, ठीक है, वी हैव बाउंड्री ऑफ यू नो सो मेनी स्पाइक्स, ठीक है, लाइव वायर्स, इतना सारा कुछ जो है वो हमारा पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, ऐसी बाउंड्री। लेकिन ऐसी बाउंड्री ना तो हमारी अफगानिस्तान के साथ है, ना ही हमारी चाइना के साथ है, एंड ना ही नेपाल के साथ है, ठीक है। नेपाल के साथ तो हम लोग इतने फ्रेंडली हैं कि नेपाल के कुछ लोग सुबह इंडिया में काम करने के लिए आते हैं एंड शाम को नेपाल वापस चले जाते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा फ्रेंडली हैं हम नेपाल से, ठीक है, इतने ज्यादा फ्रेंडली हैं कि हरिद्वार से लेके महेंद्रनगर जो कि नेपाल में है डेली बस जाती है और उसमें वीजा रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू गो टू नेपाल, नो वीजा इज रिक्वायर्ड, ठीक है, आप जा सकते हैं। यहां से आप जाइए हरिद्वार, हरिद्वार से 7 और 8 आवर्स की जर्नी है, आप नेपाल पहुंच जाते हैं, ठीक है। और क्या है, वो वाले एरियाज इंडिया के जो के नेपाल से काफी पास हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इंडियन बॉयज जो हैं वो नेपालीज गर्ल्स के साथ मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, एंड जो इंडियन बॉयज होते हैं उनको नेपाल की जो सिटीजनशिप है वो भी मिल जाती है। दे आर लिविंग इन इंडिया बट दे हैव जस्ट मैरिड टू अ नेपालीज गर्ल, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनको वहां की सिटीजनशिप भी मिल जाती है। सो वी आर सो फ्रेंडली विद नेपाल। ओके, आज तक कभी ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं देखा गया था जैसा कि मानसरोवर में हम देख रहे हैं, ठीक है, मानसरोवर के रास्ते में। एक्चुअल में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि इंडिया ने रोड बना दी है मानसरोवर तक की, ठीक है, उसका जो उसकी जो यू नो उद्घाटन जो है उसका, ठीक है, उद्घाटन समझते हैं आप लोग, व्हाट वी कॉल दैट इन इंग्लिश, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, इनॉग्रेशन, ठीक है, इनॉग्रेशन जो है वो जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किया, ठीक है। एंड वहां से ये इशू आ गया कि आपने हमारी लैंड में रोड जो है वो बनाने के बारे में कैसे सोच लिया। इंडिया कह रहा है हमारा पार्ट है, नेपाल कह रहा है हमारा पार्ट है, इस चीज का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हमने नेपाल की कंट्री में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की है। इवन आप लोगों को अगर नहीं पता, वो वाला बॉर्डर जहां की मैं बात कर रहा हूं कि नेपाल के लोग इंडिया आ जाते हैं सुबह काम करते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं, उस बॉर्डर में नेपाल की तरफ से जो जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो इंडिया की है, ठीक है। यानी कि नेपाल की लैंड में उनकी जो सिक्योरिटी है वो कौन कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं, ठीक है, हम इतने ज्यादा फ्रेंडली हैं उनके साथ। लेकिन अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, इट इज एन अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ चाइना। चाइना जो है वो नेपाल को सपोर्ट कर रहा है इस वजह से। अब आपको समझ में है अनस्पोकन सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली नहीं पता लगता, ये कहीं कागजों में नहीं लिखा है, ठीक है, बट ये इंटरनली हो जाता है, ठीक है। सो अनस्पोकन सपोर्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। सो इंग्लैंड जो है उसने भी वर्साए का जो वर्डिक्ट है उसको बहुत ही हार्श माना एंड जर्मनी का सपोर्ट किया, साथ ही साथ जर्मनी ऑस्ट्रिया को को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, देन इसके बाद रिनलैंड उसने ऑक्यूपाई कर लिया, देन इसके बाद चेकोस्लोवाकिया उसने वो कर लिया, बट इंग्लैंड ने कुछ भी आपत्ति नहीं जताई, कोई भी उसने प्रॉब्लम शो नहीं की कि हमें इस चीज से प्रॉब्लम है। नाउ देन इसके बाद हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर, हिटलर जो है वो माना नहीं,
Hitler did not stop here. Schacht had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. Schacht जो है उसने हिटलर को बोला कि देखिए रीआर्ममेंट में ह्यूजली इन्वेस्ट करना बंद कीजिए क्योंकि हम लोग अभी फाइनेंशियल डेफिसिट में हैं. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, रीआर्ममेंट का मतलब ये होता है कि आप और भी ज्यादा आर्म्स मत खरीदिए, एम्यूनिशंस ना खरीदिए, गोला बारूद फाइटर जेट्स वगैरह इन्हें मत खरीदिए क्योंकि हम में इतनी इन्वेस्ट करने की पावर नहीं है. ठीक है, और जो हमारी कंट्री है वो फाइनेंस डेफिसिट चल रही है, अभी हमारे पास पैसा कम है. ठीक है, हम लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास रिटर्न कम आ रहा है. सो इसके बाद क्या हुआ, कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इज इन नाजी जर्मनी, शार्ट हैड टू लीव. लेकिन जो ऐसे कॉशियस पीपल होते हैं ना उनकी कोई जगह नहीं थी नाजी जर्मनी में, तो शार्ट को बोला गया कि आप अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं. ठीक है, सो कहते हैं ना कि एक आंख, आप लोगों को पता है कि हमें दो आंखें क्यों दी हैं भगवान ने? ऐसा होगा कि अगर हम एक आंख से देखेंगे तो हमें 1 माइल दिखाई देगा, दो आंखों से देखेंगे तो हमें 2 माइल्स दिखाई देंगे, ऐसा होगा? नहीं, लेकिन भगवान ने फिर भी हमें 2 आईज दी है. व्हाई? चलो एक काम करो, अपनी ना आई के ऊपर ऐसे करके अपना एक जो हैंड है वो रख लो. ठीक है, अच्छे से. ओके, अब आप मैक्सिमम देखने की कोशिश करो, अपनी गर्दन नहीं हिलानी, गर्दन नहीं हिलानी, नेक जो है उसको एक जगह रखो, मैक्सिमम लेफ्ट टू राइट देखने की कोशिश करो, मैक्सिमम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, ओके फाइन, अब आपको पता लग गया कि एरिया कितना है. अब आप अपनी दोनों आईज से बिना गर्दन घुमाए लेफ्ट एंड राइट मैक्सिमम देखने की कोशिश करो. व्यूइंग एंगल थोड़ा इंक्रीज हुआ. ठीक है, अगर हम एक आंख से देखते हैं तो मैक्सिमम, अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो इट इज 120 डिग्रीज. ठीक है, बट अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो इट इज 170 डिग्रीज. लेकिन अगर हम दोनों आंखों से देखते हैं सो इट इज 270 डिग्रीज. ठीक है, ऑब्वियसली हम उल्लू तो नहीं है, आउल तो नहीं है कि जो 360 डिग्री देख लेंगे. ठीक है, बट टू आईज से हम लोग 270 डिग्रीज देख सकते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट्स पे सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, एंड अगर आप लोग साउथ इंडिया गए हो, पुणे गए हो, मुंबई गए हो, वहां पे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट्स में, जहां पे हम चंडीगढ़ में देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा एक ही है, मुंबई में एंड पुणे में जो सीसीटीवी कैमराज है वो दो दो लगे होते हैं. ठीक है, वो जो दो कैमराज लगे होते हैं वो इसीलिए लगे होते हैं व्यूइंग एंगल को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, ताकि एक्चुअल में हमें पता लग जाए कि हु इज द कल्प्रिट. ठीक है, तो अपने आप को कॉशियस रखने के लिए भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं. लेकिन जो हिटलर है वो अपनी सिर्फ एक आंख का इस्तेमाल कर रहे थे. ठीक है, वो कॉशियस नहीं थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा. हिटलर सिर्फ ये देख रहे थे कि बस मुझे ये करना है, यानी कि वो अपनी आंख की जो सीधी नजर है सिर्फ वो देख रहे थे, लेकिन आसपास नहीं देख रहे थे कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है. ठीक है, यलमार यॉट ने उनको बता दिया था कि प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनको लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे. ठीक है, ही वॉज लाइक आपसे नहीं होता है, छोड़ के चले जाओ. ठीक है, एंड जब वो छोड़ के चले गए तो फिर क्या हुआ? ओके, सो हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. हिटलर को यह लगता था कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हटाने हैं तो क्या करना है, तो वॉर करनी है. ठीक है, वॉर करेंगे तो क्या होगा, रिसोर्स वर टू बी अक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी. अगर हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर देंगे तो हमें जो रिसोर्सेज है वो मिल जाएंगे. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उनका जो थॉट है वो ये था कि अगर खुद के पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आसपास वाले जो देश हैं उनमें कब्जा कर लो,
ठीक है, और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर लो, ठीक है, जैसे उनको लगता था कि बहुत इजी काम है, ठीक है, और उनके लिए इजी था भी, ठीक है, क्यों इजी था, मैप से देखते हैं, मैप से समझते हैं क्यों इजी था उनके लिए। ये देखो जरा, दिस इज जर्मनी एंड उसी के नीचे है ऑस्ट्रिया, ठीक है, दिस इज जर्मनी, उसके नीचे ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ पोलैंड, पोलैंड को भी इन्होंने बाद में कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। ये जो स्लोवाकिया है इसके इस पोर्शन में है चेकोस्लोवाकिया। अगर आप इस मैप को देखेंगे और अगर आप आज की डेट में 2020 का जर्मनी का मैप देखेंगे तो जर्मनी बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन इस मैप के अकॉर्डिंगली हमें जर्मनी कितना बड़ा लग रहा है, यू नो, स्पेन इतना बड़ा है, फ्रांस इतना बड़ा है, जर्मनी भी इतना बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप मैप्स को खोल के देखेंगे, फ्रांस इज वेरी बिग बट जर्मनी इज नॉट, जर्मनी छोटा सा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि वो ऊपर नीचे करते करते अपना जो एरिया है उसको एक्वायर करते रहते थे, ठीक है, हिटलर जो है। सो अब इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक्सपेंशन जो है उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है, और एक्सपेंशन कंटिन्यू रखते रखते व्हाट ही डिड, इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड इन सितंबर 1940, देन अ ट्राइपार्टाइट एक्ट वॉज साइन बिटवीन द जर्मनी, इटली एंड जापान, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पार। देन इसके बाद क्या हुआ कि सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड किया, ठीक है, यानी कि जो पोलैंड है उसको उस पे उन्होंने अटैक किया और उसके अंदर घुस गए। नाउ देन इसके बाद सितंबर 1940 में एक हुआ ट्राइपार्टाइट पैक्ट। ट्राइपार्टाइट पैक्ट का मतलब क्या होता है, ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है, पार्टाइट मतलब शेयर, ठीक है, ट्राइपार्टाइट पैक्ट। ये किसके बीच में हुआ, जर्मनी इटली एंड जापान। जर्मनी और इटली तो आप लोग जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं, जर्मनी एंड इटली तो साथ साथ में ही है, ऊपर जर्मनी है नीचे इटली है, हालांकि उनके बीच में पहले कंट्रीज थी, लेकिन फिर उसके बाद जब जर्मनी ने काफी ज्यादा एक्सपैंड किया तो जो जर्मनी है और जो इटली है उसने अपनी बाउंड्रीज शेयर करनी स्टार्ट कर दी, एंड साथ ही साथ जापान भी बीच में आ गया, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, हिटलर की जो पार है वो अब काफी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो गई। पपेट रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप बाय द एंड ऑफ 1940। हिटलर वॉज एट द पिनिकल ऑफ हिज पावर। सो पपेट रिजीम्स, इसका मतलब क्या है कि अब इटली और जो जापान है उन्होंने भी नाजीज की तरह ही जो प्रोपोगेंडा है वो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ऐसे में जो नाजी है उसको काफी ज्यादा जो पॉपुलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा दे दी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो जो नाजी है उसकी जो इंटरनेशनल पावर्स की स्ट्रेंथनिंग वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है, एंड 1940s तक आते आते नाजी जो है वो अपने पार के पिनेकल में था, यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, ठीक है। जैसे कि एक हमारे पास ट्राइंगल होता है, ठीक है, ट्राइंगल का जो टॉप वाला पोर्शन होता है ना उसको बोलते हैं पिनेकल, ठीक है। तो नाजी जो है वो अपने पिनेकल पे पहुंच गया था, यानी कि उनके आसपास अब कोई भी नहीं था, ठीक है, ना ही इटली ना ही जापान, सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो कौन हो गए, हिटलर। नाउ देन इसके बाद हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब जो हिटलर है उनको लगा कि उन्हें ईस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। ईस्ट की तरफ कौन है, ये देखिए, ईस्ट की तरफ है यूक्रेन, यूक्रेन है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, एंड देन इसके बाद आता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि यूएसएसआर, यानी कि रशिया, ठीक है। सो रशिया जो है
यहां तक उन्होंने वो जाने लगे। अब आप यहां पे अगर देखेंगे, ये देखिए येलो कलर में जो मार्क्ड है ये है ग्रेटर जर्मनी, देन जो थोड़े पिंकिश टाइप में है या जो पीच टाइप में है, इट इज पार्स कॉपरेटिंग विद एक्सिस, यानी कि जो लोग इंग्लैंड फ्रांस के साथ थे, ठीक है। देन इसके बाद टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मनी के अंडर कितना एरिया था वो आपको ग्रीन कलर दिखाएगा, डार्क ग्रीन। इटली एंड इट्स टेरिटरीज वो अलग से दिखाया गया है, एंड जो हमें पर्पल में दिखाई दे रहा है इट इज न्यूट्रल। तो देखिए डार्क ग्रीन इज अंडर द जर्मनी, तो कैन यू सी कि जर्मनी ने कितना बड़ा पार्ट अपने अंडर किया हुआ था, है ना, इट इज क्वाइट बिग। नवनीत आर यू देयर? नवनीत यू देयर? चलिए नो प्रॉब्लम। ओके सो अनुषा यहां पे क्या आप जैसे देख पा रहे हो कि कितना बड़ा एरिया है फ्रांस, अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है, देन इसके बाद एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, यूगोस्लाविया, देन ग्रीस, एंड यहां पे अगर आप सबसे नीचे देखेंगे देन इट इज ट्यूनिशिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये जर्मनी ने अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। लेकिन अभी भी जर्मनी नहीं रुका था, हिटलर अभी जो हिटलर है उसको अभी भी शांति नहीं थी, वो चाहता था कि ईस्ट यूरोप जो है वो पूरा का पूरा उसके अंडर आ जाए, एंड ईस्ट यूरोप इज व्हाट, रशिया। रशिया अगर आपने कभी वर्ल्ड मैप में देखा है तो इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, रशिया। तो रशिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमारे जो हिटलर भाई साहब हैं वो चाहते थे कि उन्हें रशिया भी मिल जाए। ओके सो व्हाट ही डिड, वो बढ़ गए ईस्ट की तरफ, और यही की उन्होंने सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से हो गई वर्ल्ड वॉर टू। चलिए सो देखते हैं कि कौन सा वो बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कि उन्होंने किया। ओके सो ही वॉन्टेड टू एंश्योर, ओके ही वॉन्टेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, वो चाहते थे कि जो जर्मन्स हैं उनको फूड सप्लाईज कॉन्टिन्यूसली मिलती रहे, लिविंग स्पेस जो है वो हमेशा इंक्रीज रहे। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मीज। उन्होंने क्या किया, जून 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर था, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो अगर आप मैप में देखोगे, ये देखो जो यूएसएसआर है वो है इस तरफ ईस्ट में, यहां पे जो उनकी दुश्मन कंट्री है वो कहां है, एक है यहां पे, एक है यहां पे, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया, अपनी जो सारी की सारी आर्मी है उसको कहां भेज दिया, इस तरफ यहां भेज दिया, और ये वाली जो साइड है जो वेस्टर्न साइड है ये खाली होगी, ठीक है। अब ये खाली होगी तो क्या होगा, जो दुश्मन देश है वो आके अपने जो कारनामे हैं फिर वो दिखाएंगे, ठीक है। तो वेस्ट साइड में तो जर्मन पिट ही रही थी, लेकिन रशिया के साइड से रशिया वालों ने इतना पीटा, उन्हें इतना पीटा, यू नो, धो धो के पीटा। अभी मैं आपको बताता हूं अनुजा कि कितना धोया इन्होंने। ओके सो आगे बढ़ते हैं। ओके सो द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राद। After this, the Soviet army hounded out the retreating Germany soldiers until they reached the heart of the Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. अब ये जो रेड आर्मी थी सोवियत की, इन्होंने जर्मनी की ऐसी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट की
कि इतना पीछे करते गए, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं। ये देखिए, जो हिटलर है वो पहुंच गया था इस एरिया तक, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एरिया तक पहुंच गया था, ठीक है, यहां तक पहुंच गया था। अब रशिया यहां पे था, यूक्रेन भी इनके अंडर, पोलैंड भी इनके अंडर, और जो बर्लिन है वो कहां पे है, जर्मनी के भी अंदर। तो रशिया वालों ने इतना पीछे किया, इतना पीछे किया, इतना पीछे किया कि जर्मन सोल्जर्स पहुंच गए यहां पे। अच्छे से धोया ना हमेशा, बहुत ही अच्छे से, हैं जितने फैले थे सब कुछ पहले जितना ही कर दिया, ठीक है। तो इतना पीछे कर दिया, साथ के साथ क्या किया, साथ ही साथ जो यूएसएसआर है, जो रशिया है, उन्होंने सिक्योरिटी के नाम पे, ये कहते हुए कि जो सिक्योरिटी है वो हम आप लोगों की करेंगे, तो ऐसे में ये वाला पूरा का पूरा एरिया रशिया ने अपने अंडर कर लिया अगले 50 सालों तक, ठीक है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पोलैंड तुम लोग इतने कैपेबल नहीं हो कि जर्मनी को डिफीट कर पाओ, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है, और हमारी मिलिट्री यहां पे रहेगी। लेकिन जिस देश की मिलिट्री किसी नए देश में रहती है, तो उस मिलिट्री का जो दबदबा है वो वहां पे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 50 साल तक चाहे पोलैंड में गवर्नमेंट बनती रही, चाहे यूक्रेन में गवर्नमेंट बनती रही, लेकिन अगर आप यूट्यूब में खोल के देखोगे तो पोलैंड में भी रेवोल्यूशन हुआ था कि जो रशिया है वो अपनी जगह वापस चली जाए, एंड यूक्रेन में भी हुआ था कि रशिया अपनी जगह वापस चली जाए। इनके बीच में तो इनफैक्ट वॉर भी हो गई थी, यूक्रेन एंड रशिया के बीच में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्लियर ऑफ किया था रशिया ने जर्मनी को। चलिए देन इसके बाद लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused, but it could not stay out of the war for long. Japan was expanding its power in the East. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. यूएसए जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में नहीं आना चाहता था, क्योंकि जो इतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यूएसए में हुई थी, यूएसए नहीं चाहता था कि वो दोबारा से इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करे। लेकिन जापान जो है उसने अपने आप को ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। अब अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ईस्ट की तरफ आता है रशिया एंड अमेरिका, ठीक है। रशिया मैं कहूंगा फिर भी जापान के नॉर्थ में आता है, लेकिन अगर आप ईस्ट में बात करेंगे तो अमेरिका ही आता है, ठीक है। तो उसने अब अमेरिका पे अटैक करने स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहले उन्होंने अटैक किया यूएस के नेवल बेसिस पे, यानी कि उनकी नेवी पे। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जापान ने वो कर दिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, ये पर्ल हार्बर आपको याद रखना अनुषा, इट इज इंपॉर्टेंट। The US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. So Pearl Harbor पे जापान ने अटैक कर दिया था, जो कि US का नेवल बेस था। US इस इवेंट के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ, एंड मई 1945 में उन्होंने हिटलर को डिफीट करते हुए एंड साथ ही साथ हिरोशिमा जापान को डिफीट करते हुए उन्होंने एक एटम बॉम्ब जो है वो हिरोशिमा में उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, एंड नेक्स्ट डे ही उन्होंने नागासाकी में भी कर दिया था, ठीक है। सो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू का एंड हुआ था। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. तो ये थी वो criminality जिसकी वजह से जो what we have here, Helmut जो है उसके father ने suicide किया था,
ठीक है, दिस वॉज द मेन रीजन, दिस वॉज द थिंग जिसको कि जो हेलमुट के फादर हैं वो कह रहे थे कि जो हमने ज्यूज के साथ किया था, जो हमने